बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। तो हुआ कुछ यूँ था, पिछले दिनों जो है वो, अब ये ईद का सीज़न चल रहा था तो मैं जो है वो मोबाइल यूज़ कर रही थी। मोबाइल पे जो है वो इस तरह से मेरे पास जो है वो अलार्म जो है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है ना, तो दुनिया में बड़ा ये जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। तो ये मेरे पास इसका जो है ऐड आया और इसमें लगी भी है सेल, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऑर्डर करूँ। तो मैंने जब देखा तो अनबिलीवेबल सेल थी, यानी मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था इस सेल को करने को। मैंने आई थिंक 28 ड्रेसेस मैंने अपने कार्ट में जो है वो ऐड कर दिए, और उसमें यह लिखा हुआ था कि आपके जो है वो लिखा हुआ जो है वो उसमें ही आएगा ये यूएई करेंसी में, लेकिन जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको यूएस डॉलर में चेकआउट करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब मैंने चेक किया तो मतलब इतना ज़्यादा डिस्काउंट, तो पता नहीं मुझे मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं करा। बट मैंने इसका नाम सुना था तो मैंने कहा नहीं, जब इसका नाम है तो ये सब कुछ ये ऑथेंटिक ही होगा। और ये देखें, इतने सारे ड्रेसेस मुझे मिल गए किसमें, 50 US डॉलर में। तो मैंने जो है इसको इसी तरह से जो मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ चेकआउट किया। जब मैंने चेकआउट किया मेरे पास ईमेल भी आ गई। 2 दिन हो गया मुझे ना कुछ, मतलब मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं करा, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। और जब मैंने इसकी पूरी डिटेल देखी तो इसकी जो वेबसाइट है उसमें बॉर्डिक करके कुछ नाम था, और मतलब ये लाम वालों की अपनी ओरिजिनल जो है वो साइट नहीं है, और ये स्कैम है। इसी तरह से ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं। इवन ये कोई इंडियन ब्रांड है, ये देखिए मैं आपको शो कर आ रही हूँ, ये इंडियन ब्रांड है, इसको भी इन्होंने इसी तरह से जो है वो मतलब झूठ बोल के मतलब ये इसमें स्कैम करना है। क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई भी पार्सल नहीं आया, कोई ईमेल, मैं समझ गई कि अब मैं जो है वो मेरे साथ धोखा हो चुका है। तो मैंने इसलिए ये सारी जो है वीडियो बनाई, आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि बाहर रहने वाले जितने भी हैं इससे अलर्ट हो जाएं, ये जो है बहुत बड़ा स्कैम है। और पता नहीं और कितने लोग जो है वो अपनी उसमें कर चुके होंगे लॉस अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो है वो बचा लिया मुझे। लेकिन ये कि मेरे जो है वो 40 के करीब जो है वो US डॉलर, जो कि एक अमाउंट बनती ही है देखा जाए तो, बड़ी बड़ा दिल दुखा मेरा, मेरे जो है वो वेस्ट हो गए। लेकिन कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, जब आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं तो थोड़ी सी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि सबक सीखने को मिलता है आपको, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला आपको वहाँ से नवाजते हैं जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होता। तो इसका ईमान जब हम रखेंगे ना अपने दिल में, तो फिर हमें ये सारी चीज़ें जो है वो कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता फिर आपको। फिर आप कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। और ये हम आ गए थे नेस्टो। क्योंकि जो है वो ईद चल रही थी तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी रश था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ से हम जैसे गोश्त वगैरह ले रहे, क्योंकि जो हमने कुर्बानी की थी उसका तो ये मामला था कि वो उसमें शाम और रात ही होनी थी। तो पहले दिन के लिए तो आप कुछ ना कुछ चाहिए ही था, तो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करने के लिए हम यहाँ आ गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ आप लोगों के साथ। मैंने काफ़ी बार नेस्टो जो है उसकी वीडियो बनाई है, तो थोड़ा अजीब लगता है कि यार हर दफ़ा एक ही चीज़, थोड़ी डिस्टर्ब ना लगे आप लोगों भी बोर ना हो जाए। लेकिन क्या करूँ, मैं आई ही यहीं थी और मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए थोड़ी सी वीडियो बना दी। तो ये देखें फ्राई पैन वगैरह में भी ऑफर लगी हुई थी। अच्छा, मुझे जो है वो ऊपर की तरफ आना था जहाँ गारमेंट्स के जो है वो सेक्शन है, यहाँ पे इनके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ऑफर लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ना मैं चेक कर लूँ, क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि मैंने इसे 3 दिन पहले जो है वो अपनी बेटी के लिए ऑर्डर किया था निशात से, तो वो उन्होंने, हालांकि एक दिन में ऑर्डर आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है इस दफ़ा उनके पास या तो ज़्यादा ऑर्डर्स थे और मेरे जो है वो ऑर्डर नहीं आया, और मुझे बड़ी टेंशन हो गई। क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लग रहा था मैं पाकिस्तान से जो है ना वो जो कपड़े लाई थी वो चल जाएंगे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सूट नहीं था वो मुझे लग रहा था है, और इस वजह से मैं बहुत लेट हो गई थी। और मैंने फिर जो है वो
नेस्टो आके जो है वो दो शर्ट्स उठा रही थी अपनी बेटी के लिए, ताकि वो ईद के लिए जो है वो काम आ जाए। और ये मैं घर आ गई थी, मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मीठा जो है वो बनाया जाए, क्योंकि ईद है, तो आपके साथ मैं थोड़ी बहुत इसकी वीडियो शेयर करूँगी। तो ये थोड़ी बहुत वीडियो मैंने शेयर की थी, क्योंकि मेरे पास जो है वो पूरा सामान नहीं था। तो मैं फिर बाहर, और मैं आई थी ग्रॉसरी करके, तो मैं भूल गई थी कि मुझे और कुछ, मतलब जो लेनी थी क्रीम डालनी थी उसमें, वो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हम दोबारा चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो रोज़ा रखा था, अराफात का दिन था ये, तो हम लोग जो है वो फिर चले गए थे शारजा, क्योंकि हम शारजा ना जाएंगे तो नहीं हो सकता। आपको जो लोग मुझे देखते हैं वीडियो में उनको अंदाज़ा है कि मैं ज़्यादातर जो है वो शारजा जमान की चक्कर लगाती हूँ। बड़ा मज़ा आता है, हमें खाने पीने की जगह बड़े मज़े की होती है वहाँ पर, तो यही वजह थी हम लोग चले गए। और हमने फिर वहाँ से रोज़ा खोना, और जब हम वापस आए तो फिर मैंने अपना जो मीठा बनाया था, जो आपको मैंने भी दिखाया था, उसको पूरा कंप्लीट किया। तो हमने अपना टाइम कुछ इस तरह रखा था कि हम अपनी जो है वो खजूर वगैरह और जूसेस वगैरह जो है अपने साथ ही गाड़ी में ले गए थे, रोज़ा हमारा गाड़ी में खुल गया था। तो इस दफ़ा हम गए थे मुवेलिया की तरफ, शारजा में अंदर के एरिए में नहीं गए थे, मुवेलिया जो है वो करीब है जैसे हमारे घर से, और फिर अंदर जाके जो है वो मेन जैसे पाकिस्तान स्टोर वगैरह है, तो हम पाकिस्तान स्टोर नहीं गए थे, हम मुवेलिया गए थे। वहाँ पे हमने जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने वायरल चपली कबाब सुने थे चल रहे हैं, तो हमने सोचा उसको ट्राई करें। और ये देखें खजूरें वगैरह मैंने रख ली थी गाड़ी में, और जूस वगैरह, पानी और डिस्पोजेबल ग्लास, ये सारी चीज़ें रख के मैं गई थी। हमने जो है वो रोज़ा खोना गाड़ी में, और उसके बाद हम आ गए थे कबाब अल मदीना कैफेटेरिया। तो मैंने टिकटॉक पे इसको चेक किया था, और यहाँ पे जो है मैंने फिर वो ले ली थी, हम लोग यहाँ गए थे, और यहाँ फिर हमने जो है वो नली चपली कबाब जो है वो ले लिए थे। और बाकी की वीडियो जो है वो हस्बैंड ने बनाई थी वहाँ पे, के कबाब जो है वो कितने मज़े से ये लोग बना रहे थे। असल में ये जो चपली कबाब हैं, ये नल्दी चपली कबाब हैं, और ये मशहूर हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमें कोई इतना वो नहीं, अच्छे थे मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जो है वो मतलब कोई ऐसा सीन नहीं था कि मैं कहूँ ओए होए, मतलब सही थे, अच्छे थे बस। तो बाकी ये है कि जिस वक्त हमें भूख थी तो हमने इसको खूब मज़े से माशाल्लाह खाया, और इन्होंने रोटी भी दी थी और उसके साथ रायता भी दिया था, और इस तरह से ये इन्होंने सर्व की थी बड़े अच्छे तरीके से। बस खाना वगैरह खा के हम निकल गए थे, और ये मंज़र आप लोग देख लें शारजा के, ये मुवेलिया का एरिया है, और ये जो है चांद रात है यहाँ पे इस वक्त। तो माशाल्लाह अफरा तफरी मची हुई थी, सब तरफ जो है वो लोग नज़र आ रहे थे। अच्छा, मैंने काफ़ी दफ़ा ये सुना था कि जो है वो मतलब दुबई खाली हो गया है, क्योंकि लोग जो है वो अपनी अपनी कंट्रीज़ गए ईद मनाने, और वाकई ऐसा है, बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन मतलब अगर गए हैं तो मेरा ख्याल है दूसरी जगह से आए भी हैं, शायद ये वजह भी हो सकती है, जो इतना ज़्यादा मतलब इतना ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा था, मुझे रश लग ही रहा था। और यहाँ से गुजरते हुए जो है एकदम से एक शॉप नज़र आई, जिसमें लिखा हुआ था कि 3 दिरहम का जो है वो गन्ने का रस मिल रहा है, और आइसक्रीम भी थी। तो मैंने कहा हस्बैंड से 2 मिनट यहाँ गाड़ी रोक के ज़रा हम चेक तो करें ना कि क्या है। तो
अच्छा था वो भी, हमने उसको ट्राई किया था। और ये देखें मस्जिद कितनी खूबसूरत, ये तो यहाँ की खूबसूरती है माशाल्लाह। और ये गन्ने का रस था, छोटा ग्लास था, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जगह जगह इस तरह से शॉप्स बना दिए हैं यहाँ पे शारजा में मुवेलिया पे गन्ने के रस की। और प्राइस बहुत अच्छे इन्होंने दे दिए हैं, क्योंकि ये जो गर्मियों का मामला है ना यहाँ पे, उस हिसाब से इन्होंने बड़ा अच्छा किया। और मुझे एक और रेस्टोरेंट नज़र आया, कराची स्टार रेस्टोरेंट, तो देखेंगे जब मौका रहेगा इंशाल्लाह यहाँ भी चक्कर लगाएंगे और बताएंगे आपको, रिव्यू देंगे यहाँ का भी के कैसा है। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि बड़ा खूबसूरत इन्होंने इसको जो है वो बनाया था। बस तो यहाँ पे जो है वो हम आ इसलिए थे कि हम एक तो रौनक देख रहे थे इस एरिया में जो है वो, हम पहले भी आ चुके हैं, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, कसरत सियालकोट जो है वो यहाँ पे बड़ा मशहूर है ये ना, हम इसकी हलवा पूरी यहीं की खाते हैं जब भी मौका लगता है, हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो बस हम यहाँ आ गए और फिर हमने यहाँ से जो है वो चाय भी ली, मतलब मेरा जो है ना वो कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट ही हो गया था, गन्ने का रस भी ले लिया था, फिर मैंने मैंने कहा मुझे चाय भी लेनी है। तो बस इसी तरह से हमने माशाल्लाह अपनी जो है वो चांद रात इन्जॉय की, और घर आके फिर वही जो हमारे काम होते हैं जो चांद रात पे सब तमाम खवातीन के काम होते हैं कि खाना बनाना है और कपड़े प्रेस करने, बस उन्हीं चीज़ों में फिर मैं लग गई थी घर आके। और रात को मौका लगा तो मेरी जो है वो छोटी बेटी आ गई थी, उन्होंने यानी बच्चियों ने कहा कि मामा मेहंदी लगा दें, तो मैंने ये मेहंदी लगाई थी उनके। अच्छा असल में ना ये इमरजेंसी कौन थी मेरे पास, तो ये बड़ी बुरी निकल रही थी, तो मैंने फिर भी कहा कि नहीं ईद है तो बच्चों के तो थोड़ी सी मेहंदी लगानी चाहिए, तो बस बच्चों के जो है वो मैंने इस तरह से थोड़ी बहुत मेहंदी भी लगा दी थी। और बस मेहंदी वगैरह लगाने के बाद जो है वो मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने जो है वो अपने वहाँ पे कस्टर्ड जो है वो बना दिया था। जाने से पहले मैंने कस्टर्ड बना लिया था, दूध बॉईल करके जो नॉर्मल स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड था उसको ऐड किया, और जो सेवैयाँ जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी वो उसमें जो फालूदे की होती हैं सेवैयाँ वो मैंने उसमें ऐड करती थी, क्रीम और ये चीज़ें मैं लेकर आई थी, आइसक्रीम वगैरह ये सब मैंने इसमें ऐड किया, जैदी वगैरह भी बना ली थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इस तरह से ऐड की, और जो है ये मेरा लबे शीनी जो है वो तैयार था। अच्छा मैंने जो है ना वो ऑर्डर किया था फ्रूट कॉकटेल। फ्रूट कॉकटेल का मसला कुछ यूँ हुआ कि एक तो ये जेली भी कुछ ना अजीब ही हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था। अच्छा रफान की नहीं है ये, दूसरी तरह की, ये पाकिस्तान से मैं लाई थी, फ्यूजी फ्यूज पता नहीं फ्यूजी नाम है क्या नाम है, तो मुझे लग रहा है मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी ये जेली ना, तो बस अब जब मैं ले आई थी तो मैंने कहा यूज़ तो करनी ही है, पतली पतली ही सी लग रही थी, और ज़्यादातर क्योंकि हम लोग रफान की यूज़ करते हैं और वो थी नहीं, तो मैंने इसे ही यूज़ करनी है। फ्रूट कॉकटेल मैंने जब खोला तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ही अजीब से फ्रूट्स ना स्मेल आई इसमें से, और मैं फिर गई मैंने हस्बैंड को दिखाया तो उन्होंने कहा फ़ौरन फेंक दें, क्योंकि ये है नहीं इस काबिल की ये आप फालूदे में उसमें लवे शीरे में डालें, तो मेरे पास इतने ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं थे, तो मैंने जो है वो जो फ्रूट्स थे वो मैंने ऐड कर दिए, सिर्फ मैंने इसमें एप्पल और मैंगो ऐड किया, और उसके बाद मैंने जो है वो जिस वक्त मैंने सर्व करना था ना उस वक्त मैंने जो है इसमें बनाना ऐड किया था, क्योंकि अगर मैं बनाना पहले से ही डाल देती तो वो जो है ब्लैक होने का बहुत ज़्यादा इसका ख़दशा था, तो मैंने ये किया था कि जो मुझे जैसे अपने बाहर देना था नेबर्स में जैसे अपनी फ्रेंड को नीचे और बाहर की तरफ, तो उनके लिए मैंने जो है वो पहले से ही बनाना उनके बाउल में काट के और उसको मैंने उन तक पहुँचा दिया था। तो मैंने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि आइसक्रीम और जो क्रीम मैंने इसमें ऐड की थी वो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए, और बिलीव मी ये बहुत यमी बना था, आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत इजी होता है। मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं जो है वो लाजमी ये बनाती हूँ, और इस तरह से मैंने जो है वो बॉल्स वगैरह बना दिए थे उन लोगों के लिए जिनको मुझे देना था, और उसके बाद मैंने जो ये अपना पूरा खुद जो घर के लिए रखना था बाउल वो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। असल में ना मेरे घर पे जो है वो दावत थी ईद के पहले दिन रात में, जो है वो मेरे जो है वो देवर की फैमिली ने आना था, तो इसलिए जो है वो मैंने इसको इतनी ही क्वांटिटी में बनाया था कि वो हमारी दावत में भी आराम से जो है वो माशाल्लाह खा लिया जाए।
और जो हम लोग बाहर रहने वाले होते हैं ना, वो इंतज़ार में होते हैं कि मतलब कुछ इवेंट आए, मतलब कुछ आए जिस वजह से हम जो है वो तैयारी करें, दावतें करें। तो ये बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ होती है। तो हमें ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है कि ईद आ जाए, बस जल्दी से हम एक दूसरे से मिलना शुरू करें, तो गेट टुगेदर हो। तो बस इस तरह की जो है वो चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ईद का व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।